सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे आईफोन XR पे बैटरी ड्रेन टेस्ट। और ये बैटरी ड्रेन टेस्ट हम करेंगे BGMI का हमारे नए iOS अपडेट पे, जो कि है iOS 16.6.1 का। और आप लोग यहां पे देख भी सकते हो मेरा आईफोन XR अपडेटेड है लेटेस्ट अपडेट पे, यानी कि iOS 16.6.1 पे। और मेरे आईफोन XR की अभी बैटरी हो रही है 100%, तो हम 100% से खेलना चालू करेंगे और खेलेंगे 1% तक, यानी कि पूरी बैटरी हम ड्रेन करेंगे, पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। और मेरे iPhone XR की बैटरी हेल्थ है 81%, तो इस हिसाब से भी देखेंगे कि हमारी बैटरी कैसे ड्रेन हो रही है और कितनी ड्रेन हो रही है, कितनी ड्रेन होनी चाहिए और क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। तो यही होने वाला है इस वीडियो में। एंड इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर चैनल पे नए होना तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 100% मेरे iPhone XR की बैटरी हो रही है। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:12 हो रहे हैं। तो अभी खेलना शुरू करते हैं, BGMI बैटरी ड्रेन टेस्ट करना शुरू करते हैं। एंड वीडियो को अभी बिल्कुल ध्यान से देखना एंड अभी इंजॉय करो गेम प्ले को। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है। और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 84% पे हमारी बैटरी आ चुकी है। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:44 हो रहे हैं, यानी कि मेरे को यहाँ पे खेलते हुए आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट से ज्यादा ही हो चुके हैं, 32 मिनट मेरे को हो चुके हैं खेलते हुए। और 32 मिनट में जो कि हमारी बैटरी गई है BGMI में, वो गई है 16%। तो देखा जाए तो इस अपडेट के बाद में 16% बैटरी ड्रेन हो रही है एंड काफी सही चल रही है अभी बैटरी। बट जब मैंने अपडेट किया था इस अपडेट को, तब हमारी बैटरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। और अगर बैटरी हेल्थ के हिसाब से भी देखा जाए ना, तो भी हमारी बैटरी यहाँ पे काफी बढ़िया चल रही है, काफी सही चल रही है। तो बैटरी में तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है पहले आधे घंटे में। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि लैग हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, हीटिंग हो रही थी या फिर नहीं हो रही थी, और फ्रेम ड्रॉप हमको देखने मिले या फिर नहीं मिले, तो पहले आधे घंटे में मेरे को लैग, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी देखने नहीं मिला। हीटिंग मेरे को हल्की सी देखने मिली थी, बट वो उतनी कुछ खास नहीं थी, बहुत ही आराम से मैं खेल पा रहा था। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारी बैटरी कैसे चलती है। तो आगे एंजॉय करो गेम प्ले को।
तो गाइस यहां तक खेलते हुए मेरे को 1 आवर कंप्लीट हो जाता है और अभी आप लोग यहां पे बैटरी देख सकते हो 61% पे हमारी बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहां पे देख सकते हो 117 हो रहा है, यानी कि 1:17 हो चुके हैं और यानी कि हमको खेलते हुए भी 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा ही हो चुका है, 1 घंटा और कुछ 3-4 मिनट मेरे को हो चुके हैं खेलते हुए। और इस 1 घंटे में जो कि हमारी बैटरी गई है बीच में वो गई है यहाँ पे 39%, तो देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे हमारी पहले जैसे ही चल रही है, ना ही यहाँ पे हमारी बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है और ना ही काफी बढ़िया चल रही है हमारी बैटरी। तो iOS 16.6.1 काफी सही सा अपडेट है, मतलब डिसेंट सा अपडेट है, इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी तक मैं जितना बैटरी को देखा हूँ उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसेंट सा अपडेट है ये iOS 16.6.1। और अगर बैटरी हेल्थ के हिसाब से भी देखी जाए तो भी यहाँ पे हमारी बैटरी 1 घंटे में बिल्कुल सही ड्रेन हुई है। नॉर्मली हमारी बैटरी ड्रेन होती है 38% से लेके 42% के बीच में और अब की बार ड्रेन हुई है 39%, जो कि बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैग वगैरह की तो लैग वगैरह मेरे को कुछ भी देखने नहीं मिला, हीटिंग वगैरह भी मेरे को देखने नहीं मिल रही थी, बहुत ही आराम से मैं खेल पा रहा था। लेकिन अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा गेम प्ले कैसा होता है, बैटरी हमारी कैसे चलती है, कितनी ड्रेन होती है और खास कर तो लैग होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी बैटरी आ चुकी है लगभग 50% के पास में और 50% के पास में जब हमारी बैटरी आ जाती है तब फ्रेम ड्रॉप वगैरह होने चालू हो जाते हैं। तो अभी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना एंड आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए हमको 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और अभी आप लोग यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 22% पे हमारे आईफोन XR की बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2:13 हो चुके हैं, यानी कि हमको खेलते हुए एग्जैक्ट 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 आवर्स में जो कि हमारी बैटरी गई है बीच में वो गई है 78%। और अगर हम इसको पहले से कंपेयर करें ना, मतलब कि iOS 16.5 और iOS 16.6 से कंपेयर करें तो हमारी बैटरी यहाँ पे 2% ज्यादा अच्छी चल रही है। पिछले दोनों अपडेट पे हमारी बैटरी ड्रेन हुई थी 80%, बट अब की बार हमारी बैटरी ड्रेन हुई है 2 घंटे में 78%, तो यानी कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा बैटरी बैकअप इम्प्रूव देखने मिल रहा है iOS 16.6.1 पे। और अगर देखा जाए तो ये अच्छी भी बात है क्योंकि बैटरी हेल्थ के हिसाब से इतनी ही बैटरी हमारी ड्रेन होनी चाहिए 80% 82% तक। एंड यहाँ पे अगर अभी मैं बात करूँ लैग वगैरह की, फ्रेम ड्रॉप वगैरह की, तो लैग आपको बीच में दिख ही गया होगा, जब मैं प्लेन से उतर रहा था तब मेरे को यहाँ पे लैग देखने मिला था और मैंने आपको वो क्लिप दिखाई भी है बिल्कुल क्लियरली, उसमें लैग फ्रेम ड्रॉप बहुत ज्यादा दिख रहा था। एंड हीटिंग भी हमको अभी देखने मिलना चालू हो गई है, पहले से हमारी हीटिंग काफी ज्यादा हो रही है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है लगभग 20% के आसपास है और जब 20% से नीचे बैटरी गिरती है तब तो जरूर से लैग होता है। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड आगे देखते हैं कि लैग होता है या फिर नहीं होता और अब हमारी बैटरी 1% कितने देर में होती है। तो अभी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो एंड आगे एंजॉय करो गेम प्ले को।
तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी बैटरी आ चुकी है 1% पे, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2:49 हो रही है, यानी कि 2:49 हो रही है। और यानी कि अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो हमको खेलते हुए हो चुके हैं यहाँ पे 2 घंटे और 35 मिनट, यानी कि 2 hours और 35 minutes से 36 minutes हमको हो चुके हैं खेलते हुए, और इतने देर में हमारी बैटरी आ चुकी है 1% पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमको बैटरी बैकअप कितना देखने मिल रहा है iOS 16.6.1 के बाद में, बैटरी हेल्थ 81% के साथ में। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ये सही है या फिर गलत है, कैसा है ये बैटरी बैकअप, तो अगर मैं इसको पहले से कंपेयर करूँ ना, तो बैटरी बैकअप ये ठीक ठाक ही है, क्योंकि पहले हमको बैटरी देखने मिलती थी, मतलब कि बैटरी बैकअप हमको देखने मिलता था 2 घंटे और 20 मिनट, 2 घंटे और 25 मिनट, तो पहले से तो ज्यादा ही है 15 मिनट 20 मिनट। तो देखा जाए कंपेयर करके तो उतना कुछ खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे ही मान के चलूंगा मैं। एंड यहाँ पे अगर अभी मैं बात करूँ कि लैग हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था 20% बैटरी होने के बाद में, तो लैग तो मेरे को बिल्कुल देखने मिल रहा था, जैसे ही हमारी बैटरी 20% से नीचे हुई 18% पे आ गई थी जब मैंने चेक किया था, और तभी से हमारा लैग इतना ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल अंधा लैग हो रहा था, इतना ज्यादा लैग हो रहा था, टीडीएम में भी लैग हो रहा था, और मेरे को टच इशू भी देखने मिल रहा था। मतलब जैसे ही मेरा लैग होना स्टार्ट हुआ ना, उसके साथ ही साथ में मेरे को टच इशू भी देखने मिलने लगा, गन चेंज नहीं हो रही थी और फायर बटन पे भी टैप नहीं हो रहा था, जॉयस्टिक भी ग्लिच हो रही थी, बीच बीच में छूट जा रही थी। तो ऐसी प्रॉब्लम हमको देखने मिलती है जब हमारी बैटरी आ जाती है 20% के नीचे। और मेरा आईफोन XR यहाँ पे पुराना है, लगभग 3 साल पुराना है, और आप लोग देख ही सकते हो कि हमारा XR कितना अच्छे से परफॉर्म किया, मैं बहुत ज्यादा बंदे मार रहा था, बहुत ही आराम से मार पा रहा था, कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आ रही थी। तो गेम प्ले के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी इसको जज नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छे से मैं गेम प्ले कर पाया। बट यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है ना, वो अब यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है, ये तो मैं जरूर से बोलूंगा। और यहाँ पे अगर अभी मैं बताऊँ कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, iOS 16.6.1 को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अपडेट कर सकते हो, बैटरी बैकअप आपको बढ़िया देखने मिल जाएगा, इतना कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। बट पहले जैसे ही आपको बैटरी बैकअप देखने मिलेगा और परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज देखने मिलेगी, लैग वगैरह आपका कम होगा जरूर से। बट अगर आपकी बैटरी आ जाती है 20% के नीचे, तो आपको पता ही है कि क्या होगा फिर। एंड यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।